हेलो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, हम लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो मैं हूँ मरियम शेरोज़ अली ख़ान, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मरियम शेरोज़। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू रेमेडी। रेमेडी इतनी ही आसान है कि आप लोग आंखें बंद करेंगे और जादू से आप लोगों के सामने वो बन जाएगी। इस रेमेडी में बहुत ही कम ही इंग्रेडिएंट्स हैं और वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप लोग घर में रखी होती हैं और आप लोग खाने से गुरेज करते हैं और यूँ ही रखे रखे वो सड़ जाती हैं। तो आप लोग उसको ज़ाया नहीं करना है प्लीज़, आप लोग महंगाई बहुत हो रही है। और फिर चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। इंग्रेडिएंट जो हैं वो जो कि कुछ ही हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो हम चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट की तरफ। पहले हम लेंगे, फर्स्ट हमने लेना है बनाना और सेकंड हमें लेना है लेमन, हाफ लेमन। और ये है चावल का आटा जो कि मैंने रात में भिगो के रख दिया था और सुबह उसको ग्राइंड कर लिया था और बाकी जो है मैंने स्टोर कर दिया है फ्रिज में। और फोर्थ चीज़ जो है वो है अरके गुलाब। अरके गुलाब जो मैंने लिया है वो है सरसोडाइन का। ये अरके गुलाब बहुत ही हमारी स्किन को नरिश करता है, ओपन पोर्स जिनके होते हैं वो क्लोज कर देता है। और मैं सुबह उठकर जब फेस वॉश कर लेती हूँ उसके बाद अरके गुलाब का स्प्रे ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ कि हमें इस रेमेडी को किस तरह बनानी है। तो हमें एक कंटेनर लेना है और उसके अंदर हमें बनाना जो है इसको छील लेना है। छीलने के बाद हम इसके कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे मैश कर लेंगे फोक से। अच्छी तरह हमें मैश कर लेना है और मैश करने के बाद इसकी कंडीशन कुछ यूँ लगेगी। और ये जो बनाना पील है उसको भी हमें फेंकना नहीं है। इसके भी रेमेडी में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो अच्छी तरह इसको फोक की मदद से इसको मैश कर लेना है ताकि मिक्स ये अच्छी तरह हो जाए और हमारे फेस पे अच्छी तरह से ये अप्लाई हो जाए। देख, बनाना के अंदर बहुत सारे पोटेशियम होते हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग करते हैं, जो हमारे खाने के लिए तो अच्छा होता है, ये फेस पे लगाने के लिए, हेयर्स पे, फेस पे, जहाँ आप इसको अप्लाई करें ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रखता है। चावल का आटा है ये, चावल फ्लोर है ये, फ्लोर जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट रखता है। और इसके अंदर हाइड्रेट करने की विल पावर बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे पिंपल्स, ओपन पोर्स को क्लोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमने इसमें 1 स्पून भर के ऐड कर लेना है फ्लोर आटे का, ठीक है ना, राइस फ्लोर का। तो हम इसमें लेमन ऐड कर देंगे। लेमन के अंदर भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देते हैं और अंदर से डर्ट लाइन को भी ख़त्म कर देते हैं। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से हमारी स्किन के जो डार्क लाइंस होती हैं, डार्क जो फिंगर्स लाइंस होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसको अकेले इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स का होता है। तो हम फोर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है अरके गुलाब। अरके गुलाब मैंने यहाँ पर सरसोडाइन का लिया है और 1 स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। स्पून ऐड करने के बाद जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे उससे पहले हम इसको शेक करेंगे क्योंकि इसके अंदर एक जाल भी आ जाता है जो कि मैंने फ्रिज में रख के एक पंपिंग लाइन हो जाती है, वो समझे आप, खराब नहीं है। इसको हम मैश करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद इस एक यकजान जैसी हो जाए, बिल्कुल ही एक लाइक क्रीम शेप में हो जाए। क्रीम शेप में जब हो जाएगा इसे अच्छी तरह हम किस तरह लगा सकते हैं, हम इसे दिन में एक दफ़ा ज़रूर लगा सकते हैं, वो किसी भी टाइम हो सकता है। लगाने से पहले आप स्किन को प्लीज़ साफ़ कर लीजिएगा और फिर से अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसे हम हफ्ते में कितनी दफ़ा लगा सकते हैं, हफ्ते में हम उसको 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन ग्लोइंग नहीं कर रही है, ब्राइट नहीं कर रही है, डल हो चुकी है, बर्न हो गई है, तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से लगाना है। इसको फेस के यानी नीचे से ऊपर तक लगाना है, ठीक है। जो आपका ब्रश है उस ब्रश से आप मदद से लगाएं, जिनके पास ब्रश नहीं है वो फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं हाफ फेस पे दिखा रही हूँ, आप जो है इसको फुल फेस पे अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक छोड़ देना है। और 15 मिनट के बाद आप इसे अच्छी तरह से क्लिंजिंग करेंगे। क्लिंजिंग करने के बाद आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसके 1 या 2 घंटे तक फेस वॉश या साबुन यूज़ नहीं करना है ताकि ये हमारी स्किन में वर्क करता रहे। कोशिश करें कि इसको 8 बजे के बाद। तो कैसी लगी मेरी रेमेडी आपको?
तो इसे आप हफ्ते में दो दफ़ा, और जिसकी स्किन ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हफ्ते में 3 दफ़ा भी यूज़ कर 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दें, ये आराम से आपके 15 दिन निकल जाएंगे इसमें। और आप लोग इसको सुबह में लगाएं या रात में लगाएं, और इसके बाद आप से वॉश कर लें, याद करें, उसके बाद आपको साबुन यूज़ नहीं करना है। और सेकंड बात ये कि ना, कोई भी रेमेडी जादू नहीं होती है, उसको यूज़ करना पड़ता है रेगुलर। जो जो मैं आप लोगों को रेमेडी बताती हूँ, आप वो लोग यूज़ किया करें और फिर अपने बेनिफिट देखें। अब देखें मेरी स्किन कितनी ग्लो होती जा रही है। मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि मैं भी यूज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन अब स्किन ज़ाहिरा ब्यूटी के लिए तो इंसान को अपना ख्याल रखना ही पड़ता है, तो अपना ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।